हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मिनिमम पेंशन को लेके लोग जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, क्यों अदालत नहीं जा रहे हैं, क्यों उसके खिलाफ जो तो किसी भी प्रकार का पिटीशन नहीं दायर कर रहे हैं। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जिस प्रकार से हायर पेंशन को लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, ईपीएस 95 पेंशन धारक उस निर्णय से खुश हुए। अब ईपीएफओ ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया कराने वाला है, जल्द से जल्द जो तो पेंशन की राशि मिलने वाला है। ठीक उसी प्रकार से मिनिमम पेंशन वाले भी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाए या हाई कोर्ट में जाए, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की जा सके। इसी चीज़ों को लेकर हालांकि ऑलरेडी मैंने एक पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश किया और ये कमेंट एक दो बार नहीं, कई बार आया मेरे सामने, और जो हमारे बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक जो जुड़े हुए हैं उनके द्वारा भी इस बात को रखा गया कि क्या सरकार के माध्यम से नहीं हो रहा है, सांसद के माध्यम से नहीं हो रहा है, तो अदालत क्यों नहीं जाते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारक, वहाँ जाने पर इसका निर्णय सामने निकल के आ जाएगा। इसी के ऊपर लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, क्या होता है कि देखिए, अगर मान लीजिए ईपीएस 95 पेंशन धारक हो गए या राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम होगी या दूसरी अन्य संस्थाएं होंगी, वो कोर्ट की तरफ रुख कर लेते हैं, पिटीशन तो वहां पे दायर कर सकते हैं, वहां पे एसपीएल फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है, कोर्ट ने एक्सेप्ट करना चाहा तो ठीक है, पहली बार तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये मैटर जो है तो ऑलरेडी संसद का मैटर है और इसे संसद में ही पूरा प्रक्रिया इसके संसद से ही होनी है, तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनके संग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं उस पर, तो उस पर बहुत ज़्यादा आपको बहस नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी संसद का विषय होता है, तो इससे फिर से कहाँ संसद में इस पर विचार करने के लिए भेज दिया जाएगा, फिर संसद में ये विचार होने के लिए आएगा, तो वहाँ फिर से जितने भी सांसद लोग हैं उतने से भी सांसदों के साथ में इन्हीं विषयों के ऊपर विचार किया जाएगा कि मिनिमम पेंशन को लेकर किस प्रकार से पेंशन की राशि वृद्धि की जाए। पिछले बार भी पेंशन की वृद्धि की गई थी, जो न्यूनतम पेंशन पे बातें हुई थी, मिनिमम पेंशन पे जो बात हुई थी उस पे जब बात होने से जो तो संसद में ही उन बातों को रखा गया था। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि संसद में ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जो तो 2014 में संसद में ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मिनिमम पेंशन के ऊपर बात की थी और तभी जाके पेंशन लागू हुआ था। सेम वही कंडीशन इस बार भी सांसदों के माध्यम से ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की जाएगी, लेकिन बात यहाँ पे यह सामने निकल के आती है कि वो कब तक होगी। अब यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं आपको कि कमांडर अशोक रावत जी इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख रहे हैं, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो जितने भी हमारे देश के सांसद हैं उन्हीं सांसदों के पास में और सीबीटी के जितने सदस्य हैं उनके पास जाके ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं को रखते हैं, उनके मुद्दे को रखते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि संसद में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मिनिमम पेंशन के मुद्दे को उठाएं, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारक इस भाषण के हिस्से में शामिल हों और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अलग से बिल तैयार हो और ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन वृद्धि कर सके। दोस्तों, पूरा प्रोसेस किस प्रकार से होता है मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया हूँ, आप लोगों को बताया हूँ, उम्मीद करता है कि ये समझ में आया होगा। इसीलिए कमांडर अशोक रावत जी लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष को लेके अपने ज्ञापन पे ज्ञापन जो तो सांसदों के पास लेके जाते हैं, ताकि उनके जो तो न्यूनतम पेंशन या मिनिमम पेंशन की जो बातें हैं वो जो तो संसद में उठे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपके समझ में आए हो, क्योंकि अगर वीडियो समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।